बालाघाट जिले में लंबे समय बाद निवेश और रोजगार को लेकर इन्वेस्टर समिट 2021 का आयोजन बुधवार को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। शुभारंभ लान में आयोजित इस मीट में निवेशकों ने दिल खोलकर अपना खजाना खोला। छत्तीसगढ़, बंगाल के नामी औद्योगिक घरानों के उद्योगपतियों समेत जिले के उद्यमियों ने मिलकर करीब 4,260 करोड़ के निवेश पर करार किया। इस जिले में करीब 7 से 8 हज़ार लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलने की संभावना है। इन्वेस्टर समिट 2021 के बाद बालाघाट जिला फेरो अलॉय का हब बनने की ओर अग्रसर दिख रहा है। इस मीट में लगभग 2200 करोड़ रुपए का निवेश अलॉय उद्योग में करने के लिए उद्योगपतियों ने प्रस्ताव दिया है। फेरो अलॉय के लिए अमर अग्रवाल ने 133 करोड़, रायपुर के निकेत खंडेलवाल ने 155 करोड़, रायपुर के ही उमंग जुनेजा ने 150 करोड़ रुपए, रायगढ़ के संदी डे ने 225 करोड़, वर्धमान पश्चिम बंगाल के तेजपाल सिंह ने 112 करोड़, विपिन अग्रवाल ने 110 करोड़, संदीप गोयनका ने 112 करोड़, अजय खंडेलवाल ने 190 करोड़, शंकर केवलानी ने 100 करोड़, पार्थ सिंघल ने 126 करोड़, विनय कुमार बाटर ने 105 करोड़ रुपए का उद्योग लगाने के लिए सहमति दी। इसी तरह इन्वेस्टर मीट में एथेनॉल बायोफ्यूल के लिए सीएस तिवारी ने 800 करोड़, अतुल वैद्य ने 212 करोड़, आयुषी जैन ने 800 करोड़, शुगर मिल के लिए सम्राट सिंह सरस्वार ने 125 करोड़, केमिकल उत्पादन के लिए अंकित अग्रवाल ने 200 करोड़ रुपए, स्टील एवं उसके उत्पादन के लिए बालकृष्णा सिंह ने 120 करोड़ रुपए का उद्योग लगाने की सहमति दी है। वही अन्य 32 उद्यमियों ने 280 करोड़ के लघु उद्यम लगाने का प्रस्ताव दिया। मुख्यमंत्री जी ने उसको आगे बढ़ाते हुए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का बीड़ा उठाया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत जिस दिन से मुख्यमंत्री जी ने प्रभार संभाला है, निरंतर उन्होंने हमारे साथ बैठकें करी। शायद पहली बार मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ होगा। ऑनलाइन सिंगल विंडो क्लियरेंसेस की स्थापना उन्होंने करी। सर्टन डिपार्टमेंट्स, अबाउट 45 डिपार्टमेंट्स में एक महीने में सर्टन क्लियरेंसेस का उन्होंने सुनिश्चित करके निर्देश सबको किया है। मूलतः कृषि प्रधान हमारी अर्थव्यवस्था है। मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का बहुत सोच और दर्शन साफ है। जब तक हम वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे हमारे रेलेवेंट और एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज में, हम चाहे हुए मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन, जो किसानों की आय दुगनी करने का प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उसमें ये एक बहुत ही सशक्त कदम हम बालाघाट में उठा रहे हैं। राइस मिलिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे उद्योग स्थापित होने जा रहा है। मैगनीज बड़ी मात्रा में है, उस पर हम वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। सो एसेंशियली टू थिंग्स जो मैंने आपसे कहा, वन वैल्यू एडिशन इन आर एग्जिस्टिंग एग्री क्रॉप्स, टू वैल्यू एडिशन इन आर एग्जिस्टिंग मिनरल रिसोर्सेज। ऑयल और प्राइवेट इन्वेस्टर्स को मिला के मेरे ख्याल से मैगनीज का प्रोडक्शन यहाँ पे करीब 5,83,000 मेट्रिक टन है। करीब 56 प्राइवेट माइंस है, 10 ऑयल की माइंस है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हमने 850 स्क्वायर किलोमीटर एरिया प्रोस्पेक्टिंग के लिए ऑयल को दिया है। एडिशनली इसको प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं। जो आपके प्राइमरीली आज इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, उनमें मैं बताना चाहूँगा बड़े खुशी के साथ में कि 4,260.45 करोड़ का हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। एक बार बहुत ही कट्टर ध्वनि से हम इन सब का स्वागत करें जिन्होंने हिम्मत दिखाई है और आज हमारे बीच में है। जो यहाँ पे बहुतायात में है, बैम्बू एक और पोटेंशियल है। कुछ जो प्लांट्स बंद हो गए उन पर भी हम काम चालू करें। केलू एक अच्छी मात्रा में हुआ करते थे, उनको बहुत सेटबैक मिला है पक्के मकानों की वजह से। तो फ्लोर टाइलिंग्स और फैब्रिकेटेड रूफ्स, वो एक और सेक्टर है जहां हम देख रहे हैं। एक और मैं बात आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों में मुख्यमंत्री जी का विशेष उसमें योगदान, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, 12.59% GSDP has increased, which is a mark of his concrete work in our state. वो राज्य जो बीमारों कहलाता था, आज विकसित राज्यों में हम चौथे पायदान में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के देश में, और मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस बार जो रैंकिंग है, वी विल बी इन द टॉप 3 में हम आने वाले हैं। इस बार फिर से मैं चाहूंगा कि आप सब मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करें।
कार्यक्रम के उपरांत मध्य प्रदेश शासन के औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने उद्यमियों से वन टू वन चर्चा की। उन्होंने सरकार की ओर से उद्योगों को प्रोत्साहन देने की नीतियों की जानकारी दी, साथ ही जिले में इन उद्योगों के स्थापित होने से रोजगार मिलने की संभावनाएं जताई। उन्होंने कहा है कि आत्मनिर्भर बालाघाट बनेगा तभी देश आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ेगा। बालाघाट आइए और यहाँ पर निवेश कीजिए, नक्सलवाद अब किसी भी उद्योग के लिए समस्या नहीं है। इसमें एसेंशियली दो तीन सेक्टर्स के लोग अच्छी मात्रा में हमें इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे आए हैं। एक तो मैगनीज, तो फेरोलॉय क्लस्टर अब संभव है इनका उत्साह और यहाँ पे इंटेंट देख के। दूसरा हमारा एथेनॉल, उसके अलावा जो हमारा बांस यहाँ पे है, हमारा पुराना केलू जो रिवाइव होना है, टाइल्स और प्री फैब्रिकेटेड एनवायरनमेंट फ्रेंडली रूफ्स को लेके, और जो फॉरेस्ट्री है उत्पाद जैसे शहद की भी एक संभावना है हनी। तो एमएसएमई और हेवी इंडस्ट्रीज मिला के बहुत अच्छा यहाँ पे डेवलपमेंट हो सकता है। हमारे पास आज ही करीब 4,260.45 करोड़ के एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आए हैं। मेजरली इसमें जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हैं वो फेरोलॉय, मैगनीज और एथेनॉल के हैं, और सभी लोगों से अभी हमने वन टू वन चर्चा करी और हमें पूरा विश्वास है कि ये शुरुआत है। और जैसा गौरी शंकर जी कह रहे थे और कांवरे जी भी कह रहे थे कि मैंने तो 10,000 करोड़ कहा, ये तो कह रहे हैं कि हम उससे भी आगे ले जाएंगे। इंफ्रा में हम पूरा बैकअप देंगे, मुख्यमंत्री जी ने खुद ने इन सबसे बात करी और हमारे CMD मोयल भी यहाँ पे भी बैठे हुए थे। इनका कंसर्न था कि हमें अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ मैगनीज और मिलेगा या नहीं मिलेगा। करीब 350 मेट्रिक टन की आवश्यकता इन्होंने बताई है, तो हम अपस्केल कर रहे हैं, हमारा मोयल और प्रोडक्शन बढ़ाएगा, 850 तक बढ़ाने की चर्चा हुई है। तो कुल मिला के बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है और मैं बधाई देना चाहता हूँ सभी बालाघाट क्षेत्र के लोगों को। इससे संभावित रोज़गार का हमारा जो आकलन है 7,000 से 8,000 रोज़गार इससे हमें मिलेगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी लैंड अलॉटमेंट्स हो जाएं, सभी रिक्वायर्ड क्लियरेंसेस हो जाएं, और असिस्टेंस और इंसेंटिव्स के लिए हम केंद्र सरकार से भी बात करेंगे। सेंटर भी बैकवर्ड एरियाज़ में और डिस्टर्ब्ड जहाँ डिस्टर्बेंसेस किसी प्रकार की भी है वहाँ पे कोशिश करके बेटर हो, विकास हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, उसके लिए स्कीम्स हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश शासन के आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर नानो कावरे ने मीडिया से चर्चा में कहा कि प्रदेश शासन की नीतियों के तहत उद्यमियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस जिले में मैंगनीज प्रचुर मात्रा में है, मैंगनीज आधारित उद्योग लगने से यहां के युवाओं को रोजगार मिलेगा। जिले में एक उत्पाद योजना के तहत चिन्नौर की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कि पहले और आज में जो अंतर है, पहले पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन इस बार सारे जनप्रतिनिधि हमारे उद्योग मंत्री जी यहाँ पे नई पॉलिसी लेकर आए हैं, जहाँ पर बिजली की आपने समस्या बताया, बिजली की उस समस्या का समाधान करते हुए आए हैं। और जहाँ तक जमीन का अलाटमेंट का विषय है या प्रसार किसी प्रकार की कोई दिक्कत, एक कमेटी हमने तैयार किया है जहाँ पर हमारे जनप्रतिनिधि रहेंगे, हमारे अगर कोई फॉरेस्ट का मामला आता है तो DFO के सदस्य होंगे, कलेक्टर पदेन सचिव होंगे, इस प्रकार के सारे विभाग जिसमें वो उसमें आवश्यकता है वो सारे विभाग के अधिकारी रहेंगे, जनप्रतिनिधि रहेंगे, और हर महीने हम लोग इसकी समीक्षा करेंगे और उनकी जो परेशानी आएगी उसका निराकरण करेंगे। इसकी भी कोई कमेटी बनेगी? इसकी भी कमेटी हम जिला स्तर पर कमेटी बनाएंगे और उसकी समस्या का समाधान, यहाँ पे जो छोटी मोटी जो परेशानी आप जैसे संदेह कर रहे हैं वो सारी समस्या का समाधान करेंगे। कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है? देखिए, आप सबने देखा भी सुना भी है, कम से कम 10,000 लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा, वो तो अभी प्रथम चरण में हमारी संभावना है, आगे भी उससे ज़्यादा। आपको देखे होंगे पहला ऐसा अवसर आया, माननीय मंत्री जी खुद उनसे बात किए हैं, माननीय मंत्री जी से उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की है और सारी की सारी जो उनके मन में कोई बात थी वो यहाँ पे संदेह सब समाप्त हो गया और वो बड़े उत्साह के साथ में बहुत जल्दी यहाँ पर अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सरकार भी उनके साथ सहयोगी के रूप में काम करेगी और बहुत जल्दी हम काम प्रारंभ करेंगे।